यहाँ मैं आपके साथ तीन चीज शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट, पेपाल क्या है। सेकेंड, पेपाल आईडी अकाउंट हमें क्यों क्रिएट करना चाहिए। थर्ड, कि पेपाल अकाउंट बनाने के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो अगर आप तीनों चीज जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में बने रहें। तो फर्स्ट अभी हम जानते हैं पेपाल क्या है, ठीक है। तो अगर आप इंडिया के हो, जैसे आप इंडिया में फोन पे, पेटीएम, यूपीआई आईडी यूज करते हो, सेम तरीके पे यहाँ पे जैसे आप पैसे ट्रांसफर करने के लिए ये सब अकाउंट यूज करते हो, यूपीआई वगैरह, उसी तरीके से पेपाल है। अब पेपाल किस तरीके से काम आता है, सपोज आप अगर कोई ऐसा गेम खेल रहे हो जो कि इंडियन नहीं है ना, विदेशी गेम है, यानी वो फॉरेन कंट्री का गेम है, आपको वहाँ से अर्निंग करनी है, तो जैसे ही आपने वो गेम खेला उसके बाद आपको वहाँ से अर्निंग हुई, तो वो आप अपने फोन पे पेटीएम अकाउंट पे नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये फोन पे और पेटीएम ओनली नेशनल है, इंडिया तक ही महदूद है, ठीक है। इसके लिए आपको पेपाल अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हम जानेंगे पेपाल क्या है। अब हम जानते हैं कि पेपाल अकाउंट हमें क्यों क्रिएट करना चाहिए। तो मैं बताऊं, पेपाल अकाउंट क्रिएट करने के सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आपकी फैमिली और फ्रेंड्स अगर विदेश फॉरेन कंट्री में, वहाँ से अगर उनको पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, तो वहाँ पे फोन पे और गूगल पे और यूपीआई वो एक्सेस नहीं करता है आपके अकाउंट को। इसके लिए आपको पेपाल अकाउंट क्रिएट ही करना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको पेपाल की नीड होती है, ठीक है। तो यही बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको पेपाल अकाउंट क्रिएट करने का। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये अभी जो बिजनेस करते हैं, जो आप अगर बाहर से पैसे मंगाने हो, तो उसके लिए ये पेपाल अकाउंट आईडी क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है।